श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समिंदर जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी कानपुर। चर्चा चल रही है 16 करण भावनाओं की, और 16 करण भावना हमें तीर्थंकर पद को प्राप्त कराती है। भले भले पंचम काल में अभी तीर्थंकर पद की प्राप्ति न हो, मगर अभ्यास करते करते कभी न कभी वो भावनाएं हमारी आत्मा की पर्याय बनेंगी, और हमें उस आत्मा की पर्याय बनने पर तीर्थंकर प्रगति का बंद होगा, और एक ना एक दिन हम तीर्थंकर बनेंगे, क्योंकि करते करते अभ्यास से सब चीजें प्राप्त होती है। हमें अभ्यास करना ही चाहिए, इसलिए इस पंचम काल में भी बहुत सारे भारत में लोग 16 करण भावनाओं को भाते हैं। इनकी विधि के अनुसार लोग अपनी उपवास किया करते हैं, कोई 32 उपवास निर्जल करता है, कोई जल के साथ करता है, कोई एक उपवास एक आहार करता है, कोई एक आसन से करता है, मगर अपनी शक्तियों को न छुपाते हुए इस 16 करण भावनाओं को लोग भाते हैं, जिसके अंदर में परिणाम होता है कि मैं एक ना एक दिन उस परम पद को पाऊंगा, वह अभी से अभ्यास करता है। और अभ्यास करते करते वह कभी तीर्थंकर प्रभु का सानिध्य मिल जाता है, या सुत केवली भगवान का सानिध्य चरण पाद मिल जाते हैं, तो वह वहां अपनी भावनाओं को बड़ा विशुद्ध करता हुआ विनय संपन्नता से ओतप्रोत होकर तीर्थंकर प्रगति का वंद कर लेता है। जैनाचार्यों ने कहा कि अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है, और यह बहुत बड़ी ताकत हमारे जीवन को फल प्रदान करती है। हमने दर्शन विशुद्धि की चर्चा लगभग 3 महीने में सुनी, 1-2 दिन से विनय संपन्नता की चर्चा चल रही है, क्योंकि जैनाचार्य कहते हैं अगर दर्शन विशुद्धि तुम्हारे पास नहीं है और तुम कितने भी विनयशील हो जाना, वो कोई कार्यकारी नहीं होगा। दर्शन विशुद्धि के साथ अगर हम विनयवान होते हैं, अपने से बड़ों का विनय करते हैं, तो वह हमारी विनय संपन्नता मोक्ष मार्ग में कारण हो सकती है, क्योंकि विनय के अनेक रूप कहे जैनाचार्यों ने। गुरु की विनय, गुरु के प्रति हृदय में भक्ति रखना, चाहे वो परोक्ष में हो या प्रत्यक्ष हो, वही भक्ति। जो साक्षात में जो भक्ति हम करते हैं, वही भक्ति परोक्ष में भी होना चाहिए, और जब ये भक्ति हम करते हैं तो सदा उनके दर्शनों की अभिलाषा हमारे अंदर ओतप्रोत रहना चाहिए। ऐसी भावना जब हम करते हैं तो ये गुरु के प्रति विनय कहलाती है। गुरु के आने के पहले हम खड़े हो जाएं, उनके सामने हम पैर फैला करके न बैठें, पैर लटका करके न बैठें, इन्हीं एक लौकिक विनय के अंतर्गत आता है। अपन विस्तार से इन सब विनय के बारे में सुनेंगे। उनके समक्ष बड़ी भक्ति के साथ विनय पूर्वक उन्हें नमोस्तु कहना, अपने उनके सामने पहुंचते ही जैसे ही वो आए खड़े हो जाना चाहिए,
ये बहुत बड़ा विनय का प्रतीक है। आज हम भगवान के सामने ही कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, ये बहुत बड़ा अभिनय है भगवान का। अनंत भगवान का अभिनय ही ये विनय नहीं है। पूजा करने का जितना पुण्य नहीं है, उतना अभिनय करने का आपको पाप लगेगा। और कई तो बैठने की जरूरत नहीं है फिर भी बैठ जाते हैं। वो कहते हैं महाराज कुर्सी खाली दिख गई तो हम भी बैठ गए। तो ये आपका बैठना बता रहा है कि आप जिनेन भगवान का अभिनय कर रहे हैं। क्या मेडिकल सर्टिफिकेट है आपके पास कि आप जमीन में नहीं बैठ सकते? और मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को बिठा दिया जिनके पास सर्टिफिकेट भी था और उनसे कहा कि बैठो। महाराज जी नहीं बैठ पाऊंगा। बैठो, नहीं बैठ पाऊंगा। और तीसरी बार कहा वो बैठ गया और उसके बाद आज तक खड़ा नहीं हुआ। घबराना मत, यानी उनका बैठना शुरू हो गया। अब वो कभी कुर्सी पे ही नहीं बैठते, हमेशा जमीन में बैठ करके भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, आहार देते हैं, सब कुछ बैठ करके होने लगा। यही हमारे अहंकार को गलित करने में और विनय को उत्पन्न करने में एक कारण बनता है। तो भगवान की भी विनय, गुरु की भी विनय, उनके पहुंचते ही, उनके सामने पहुंचते ही अंतरंग से हृदय में आह्लाद आ जाना चाहिए। उनके गुणानुवाद करने की भावना जागृत हो जाना चाहिए और अपनी आत्मा में ऐसा विनय गुण प्रकट हो जाना चाहिए कि जिसके माध्यम से हम अपनी विनय को चारों तरफ बिखरा दें और जो भी व्यक्ति हमारी क्रिया और चर्या को देखे वो आनंद विभोर हो जाए कि ये व्यक्ति कितना विनयशील है, कितना विनय है, कितना झुकता है। मगर उस विनय में मायाचारी का पुट नहीं होना चाहिए, छल कपट का, रंच माधवी प्रवेश नहीं होना चाहिए। अंदर से, बहुत अंदर से विनय होना चाहिए। और जितनी विनय से तुम्हारी भक्ति होगी वही तुम्हारे जीवन की विनय संपन्नता, 16 कारण भावनाओं की दूसरी भावना का प्रवेश तुम्हारे अंतरंग में होना शुरू हो जाएगा हर क्षण। ऐसे नहीं कि चार लोगों के सामने हमने विनय कर ली और पीठ पीछे अभिनय करना शुरू कर दिया, अभिनय कर दी। नहीं, विनय तो एक बार जो हो तो विनय बढ़ती ही जाना चाहिए, गुणानुवाद बढ़ते ही जाना चाहिए, कमी नहीं आना चाहिए। और इतना सतत अपने जीवन में भक्ति पूर्वक विनय, सम्यक दृष्टि का ही विनय, और सम्यक दृष्टि ही विनयशील हो सकता है। मिथ्या दृष्टि की विनय नहीं होगी, उसकी विनय वैनिक होगी, वैनिक मिथ्या दृष्टि। हर जगह माथे बंदामी, माथे बंदामी, यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, कहीं भी मस्तक झुका देगा, कुछ भी दिख गया वहां झुका देगा। नहीं, सम्यक दृष्टि देखता है कि ये 5 रुपए का 15-20 रुपए का कोकोनेट नहीं है, ये चेतन कोकोनेट है। ये जहां झुकेगा वहां कोई ना कोई शक्ति होगी, कोई ऐसे बीतराग मुद्रा होगी, कोई ऐसे प्रभु होंगे, गुरु होंगे, जिनवाणी होगी, देव सास गुरु के लिए ये मस्तक झुकेगा, विनय करेगा, यहां वहां नहीं। ऐसा वह सम्यक दृष्टियों का किया गया यह विनयशीलता अनेक लोगों को उपकारी होता है। ऐसा वह अपने जीवन में ध्यान रखता है कि मेरा रिफ्लेक्शन, मेरी क्रिया से कहीं कोई व्यक्ति गलत शिक्षा तो नहीं ले रहा है, मेरे उठने बैठने से, मेरे देखने के नजरिए से, मेरे बोलने के तरीके से, मेरे कपड़ों के पहनने से
मेरे खाने और पीने से कहीं कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, किसी के अंदर अभद्रता तो नहीं आ जाएगी। सम्यक दृष्टि का एक एक कार्य, एक एक क्रिया बहुत विनयशीलता से भरी होती है, उसका एक आदर्श होता है, और वह इतनी भक्ति से ओतप्रोत होता हुआ अपनी 16 कारण भावनाओं में अग्रसर होता चला जाता है। लोकाचार का भी ध्यान रखता है, कुलाचार का भी ध्यान रखता है कि हमारे कुल की परंपरा क्या है और लोक में क्या चल रहा है, कहीं लोक के विरुद्ध तो मैं अपने जीवन में कोई कार्य नहीं कर रहा हूं कि जिसमें लोकापवाद हो जाए, लोक में अपवाद हो जाए, लोक में हंसी उड़ जाए। मेरी क्रियाओं के द्वारा इसका सदा ध्यान रखता हुआ वह अपने जीवन को विनय से ओतप्रोत रखता है, सम्यक ज्ञान आदि रत्नत्रय से ओतप्रोत उसका चरित्र धारियों के प्रति विनय भाव होता है। अनेक अनेक प्रकार से, और जो विनय होती है वो कर्म छयात, कर्मों को क्षय करने के लिए, आत्मा का विकास करने में सहायक होती है विनय। अगर हमारे अंदर कितना भी ज्ञान हो जाए और विनय ना हो तो वो कोई कार्यकारी नहीं बंधुओं। जीवन में विनय होना चाहिए, धार्मिक विनय होना के साथ साथ लौकिक विनय भी होना चाहिए, और अगर धार्मिक विनय है और लौकिक विनय नहीं है तो भी हमारे द्वारा आप प्रभाव न हो सकती है, धर्म का अपवाद हो सकता है, लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। अंदर बाहर एक से परिणाम होना चाहिए, एक सी क्रिया होना चाहिए, एक सा भाव होना चाहिए, और ऐसी विनम्रता से कर्म छयात करने की भावना से, आत्मा का विकास की भावना से ये विनय हमारे जीवन में सहायक होती है आत्मा के विकास करने में। पूज्य कसाय पावल ग्रंथ के अंदर गुणाधिकेशु नीचे ही व्यक्ति बिनिया, ऐसा उन्होंने कहा कि गुणों के लिए, गुणों की प्राप्ति के लिए अपने से गुणों में जो अधिक हैं, बड़े हैं, उनके प्रति विनय करना। उम्र में भी बड़े हो सकते हैं, चारित्र में बड़े हो सकते हैं, गुणों में बड़े हो सकते हैं, ऐसा पूज्यभव ने कसाय पावल ग्रंथराज के अंदर ये बात कही। गुणाधिकेशु, जो गुणों में अधिक हैं हमसे, उनका विनय करना, और यह विनय हमारे जीवन में व्यवहार में आना चाहिए। यह व्यवहार विनय है, और जब तक ये विनय हमारे अंदर नहीं होगी, व्यवहार विनय बहुत जरूरी है। पिताजी आ गए हैं और हम ठिठोलियां कर रहे हैं, टांग फैला करके बैठे हैं, सोफा सेट कुर्सियों पे बैठे हैं, पिताजी आ गए फिर भी हमारे कोई मतलब ही नहीं, आ गए होंगे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, उनसे जितने लोग छोटे हैं उन सबका कर्तव्य है कि पिता के आने पर खड़े हो जाना चाहिए, उनके हाथ का सामान ले लेना चाहिए और व्यवस्थित उसे रख देना चाहिए, और किस समय कहां से आए हैं, अगर मान लीजिए व्यापार करके आए हैं तो उनको सामान लेकर उनके हाथ में एक जग दे देना चाहिए, एक पानी का गिलास दे देना चाहिए, और आपको उनकी क्रियाएं मालूम है, वो क्रियाओं समय समय पर फटाफट उनके सामने व्यवस्थित होती चली जाना चाहिए, कहना ही ना पड़े उन्हें अरे पानी लाना जरा, क्यों ठंड में पानी पियोगे क्या, अरे वाह रे वाह, तुम प्रति प्रश्न कर रहे हो, क्यों पूछ रहे हो पानी, कह दिया तो कह दिया। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि मुझे दीक्षा ले लेना चाहिए या ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर लेना चाहिए, बताएं। मैंने एक उदाहरण दिया
दो उदाहरण दूंगा। एक उदाहरण दिया कि कबीर दास कुछ लिख रहे थे, तो और एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, वो कुछ लिख रहे थे और उनके पास कुछ लोग बैठे हुए थे। दिन के 12 बजे हुए थे। कबीर दास जी ने अपनी श्रीमती को बुलाया और कहा, दीपक लेकर के आना, सच बोलो, अगर तुम्हारे श्रीमान जी दिन के ठीक 12 बजे और धूप अच्छी कड़कड़ाके की है, खूब उजाला है, और वो कहें अरे सुनो जरा दीपक जला करके ले आना, क्या रिप्लाई आएगा? सच्चे बोल काला कौआ काट खाएगा, सच्चे बोल। क्या कहोगे? क्यों, अब 12 बजे दिन में तुम्हें दीपक की क्या जरूरत पड़ गई? दिख नहीं रहा क्या? सूरदास हो क्या? और थोड़ी अगर चंट हुई पत्नी तो कह देगी, सूरदास हो क्या, पागल कुत्ते ने काट दिया, दिन में दीपक मंगा रहे, वाह गजब हो गया, बेचारे ने तो इतने ही कहा था दीपक ले आना और उसने कितना बोल गई वो। और पास में आकर के बड़बड़ाती कहेगी, काहे के लिए चाहिए दीपक, क्यों चाहिए, होगा ना। और उसने कुछ नहीं कहा, जैसे ही सुना कि पति देव ने दीपक मंगाया है, उन्होंने बिल्कुल शुद्ध घी से दीपक में घी भरा, माचिस से दीपक जलाया और दीपक लेकर के उनकी टेबल पर रख करके चली गई। उन्होंने कहा कि अगर शादी करना है, ऐसी पत्नी मिले तो शादी कर लेना, शादी कर लेना। दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने कि बहुत 1 किलोमीटर ऊपर एक गुफा में एक संत जी रहा करते थे और उनके पास एक मन चला योबा गया और कहता है, साधु जी आपका नाम क्या है? उन्होंने बहुत विनय से अपना नाम बता दिया। 10-20 कदम चलने के बाद फिर वहां से चिल्लाता है, अरे साधु जी तुम्हारा नाम क्या है? साधु जी अपनी गुफा से निकल करके उसके पास आए और कहा, मेरा नाम ये है। अच्छा अच्छा मैं भूल गया था। फिर वह 100-200 मीटर नीचे उतर गया, फिर वहां से चिल्लाता है, अरे ओ महंता जी, ओ महात्मा जी, तुम्हारा नाम क्या है? महात्मा जी नीचे उतरे और फिर उसको अपना नाम बता करके चले गए। फिर महात्मा जी अपनी गुफा में कुटिया में चले गए। फिर वो 0.5 किलोमीटर नीचे उतर गया, फिर चिल्लाया, बहुत जोर से चिल्लाया, महात्मा जी तुम्हारा नाम क्या है? महात्मा जी फिर गुफा से नीचे उतरे और 0.5 किलोमीटर आए और उसे अपना नाम बताया, फिर ऊपर चले गए। ऐसे उसने नीचे तक किया, उससे कहा कि साधु बनने के पहले अगर इतनी सहनशीलता हो तो साधु बन जाना और नहीं तो फिर देख लेना। इस कार्यक्रम के बुनियादक थे श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेता जी, सनिंदर जैन, श्रीमती लीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी कानपुर।